हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आइसक्रीम का ट्राइसाइकिल में हम लोग आइसक्रीम लेके और गली में, मोहल्ले में, मेले में, बाज़ार में कैसे उसका सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आइसक्रीम बेचने का बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है दोस्तों, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई लाइसेंस भी आपको इसके लिए नहीं चाहिए, बस आपको सेलिंग का काम करना और अच्छे खासे पैसे कमाना है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है कि ट्राईसाइकिल हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, उसमें जो फ्रिज लगा हुआ रहता है वो आइसक्रीम को ठंडा कैसे करता है, आइसक्रीम को ठंडा करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए हम लोगों को क्या चीज़ लगेगा जिससे हम लोग का जो है आइसक्रीम ठंडा होगा, इसमें मार्जिन कितना होता है, कितना परसेंट का मार्जिन रहता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा हम लोग को और इससे कमाई कितना होता है, आइसक्रीम हम लोग कहाँ से लेंगे, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो कम्प्लीट इस वीडियो को देखिएगा तो आप भी हर एक चीज़ समझ पाइएगा और आप भी एक अच्छा खासा ट्राईसाइकिल में आइसक्रीम बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी जो इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। स्टेप नंबर वन, तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ट्राईसाइकिल लेना होगा। तो ट्राईसाइकिल आप कहाँ से लेंगे और इसका कीमत कितना होता है? तो आपको नॉर्मल ट्राईसाइकिल जो है वो आपको 12,000 से 15,000 के बीच में आ जाएगा, जिसको आप पैडल मार के चलाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक वाला लेते हैं तो वो करीब 45,000 तक का आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप शुरुआत करें तो अभी नॉर्मल वाला ही लीजिए जो पैडल मार के चलाते हैं, तो वो ट्राईसाइकिल जो है आपको सस्ता मिलेगा और रिचार्जेबल नहीं होगा, वो अलग से आपको मैं बताऊंगा कि उसमें कूलिंग का फैसिलिटी आप कैसे ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्राईसाइकिल खरीदे कहाँ से। तो ट्राईसाइकिल आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते तो इंडिया मार्ट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12,000 से 15,000 के बीच में आपको एक ट्राईसाइकिल मिल जाएगा। या फिर आप साइकिल जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको कहीं से कॉन्टैक्ट करके ला के और दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सस्ता हो वहाँ से आप मंगवा लीजिए एक ट्राईसाइकिल। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर टू, तो जो ट्राईसाइकिल होगा उसमें फ्रिज, अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लेते हैं तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक वाला फ्रीजर आप नहीं लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोल्ड प्लेट लेना होगा। 5-6 कोल्ड प्लेट आप लीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो कोल्ड प्लेट होता क्या है, तो कोल्ड प्लेट एक प्लास्टिक का डब्बा जैसा होता है, पतला पतला, उसमें कुछ केमिकल भरा हुआ रहता है, जो कि अगर आप उसको 2-3 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यानी कि फ्रीजर में रखते हैं, तो वो 10 घंटे आपका आइसक्रीम को कूलिंग कर सकता है। तो अपना ट्राईसाइकिल के फ्रीजर के अंदर ही उसको चारों तरफ से लगा हुआ रहता है वो, ठीक है, कोल्ड प्लेट जो रहता है। और इसका अलग अलग भी नाम है, जैसे कि आइस प्लेट भी नाम है इसका। तो उसको 2-3 घंटे आप फ्रीजर में रखिएगा और फिर उसको आप ट्राईसाइकिल के अंदर रख दीजिए और उसके साइड में आइसक्रीम आप डाल के उसको अगर बेचते हैं तो आइसक्रीम बहुत ही देर तक ठंडा रहेगा। अगर 2-3 घंटे भी आप उसको ठंडा कर लेते हैं कोल्ड प्लेट को, तो फिर वो आपका आइसक्रीम को लगभग 10 से 12 घंटा ठंडा रखेगा। तो ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर थ्री, तो आपने ट्राईसाइकिल ले लिया, उसके बाद आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए कोल्ड प्लेट भी आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अब आइसक्रीम खरीदना है। तो आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर नज़दीक में कहाँ पर आइसक्रीम फैक्ट्री है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कोई है, तो वहाँ से आप आइसक्रीम खरीद के और फिर बेचना शुरू कर सकते हैं। तो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से आप देख लीजिए कि कौन सस्ता माल हम लोग को दे रहा है, जो भी आपको सस्ता माल दे उससे आप ले लीजिए और फिर इसको बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, अब बात आ जाता है कि आइसक्रीम को हम लोग बेचें कैसे। तो इसके लिए आप मार्केट में बेच सकते हैं, गली मोहल्ले में भी घूम के बेच सकते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहीं पर अगर मेला लगता है तो वहां पर भी आप जाके बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें में आपका ज़्यादा कमाई होगा। कई बार शादी विवाह में भी आपको बुलाया जाता है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं शादी विवाह में, लेकिन शुरुआत में आपको घूम घूम के बेचना चाहिए और मार्केट में बेचना चाहिए, तो आपका अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। स्टेप नंबर फाइव, कि इस बिजनेस में हम लोग का मार्जिन कितना होता है। तो आइसक्रीम का बिजनेस में अगर मार्जिन की बात करें हम लोग, तो 25 से 30 के बीच में होता है, 25% से 30% के बीच में मार्जिन जो होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 1,000 का आपने आइसक्रीम सेलिंग किया तो उसमें से आपको लगभग 250 से 300 रुपये बचेंगे, तो बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन है। और आप अगर 5,000 का सेलिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आपका एक दिन का कमाई निकल जाएगा। इसी स्टेप नंबर सिक्स, इस बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपका एक ट्राईसाइकिल जो है वही थोड़ा सा महंगा आएगा, कम से कम 15,000 तक आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर थोड़ा लो क्वालिटी वाला लेते हैं तो 12,000 तक, नहीं तो अच्छा लेते हैं तो 15,000 तक। और अगर इलेक्ट्रिक वाला लेते हैं तो वो 45,000 के करीब आएगा आपको, तो वो आपको नहीं लेना है शुरुआत में, 15,000 तक ले लीजिए। और 5,000 का आपको लगेगा आइसक्रीम, ठीक है। और फ्रीजर के साथ आपको हो सकता है कि कोल्ड प्लेट जो है वो मिल जाए। तो टोटल मिला के अगर देखें इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, तो 17-18 हज़ार से लेके 20,000 तक में आपका जो है पूरा
चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 20,000 तक आप मानिए, अपने जेब में 20,000 रखिए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का कमाई कितना होगा। तो इस बिजनेस में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर 1,000 रुपये का आप सेलिंग करते हैं डेली, तो आपका उसमें से 250 से 300 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, 5,000 का करते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर महीने का कितना होता है ये भी आप निकाल सकते हैं। तो एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कितना कमाएंगे अपने इस बिजनेस से। अगर आप गांव में हैं तो थोड़ा सा कम कमा सकते हैं, लेकिन अगर शहर में आप जाते हैं तो हर मौसम में लोग आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा खासा आपका बिक्री होगा। ठीक है, अप्रोक्स अगर हम लोग बात करें शहर में, तो आप 15 से 20,000 तो इस बिजनेस से इजीली कमा ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को जिनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।